लगता है 28 नंबर, ये x बराबर पाई पर दिया है संतत है, x बराबर पाई पर संतत है। चलिए देखते हैं इसका एल एच लिमिट पहले लेते हैं। एल एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू आपका हो जाएगा पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई, वही रहने देते हैं, लिमिट में कोई चेंज नहीं करते हैं, x टेंस टू पाई माइनस, अच्छा एफ एक्स जगह पाई बाई पाई से छोटा, तो पाई से छोटा ये हो जाएगा के एक्स प्लस में वन, तो सीधे पुट कर दो ना के पाई प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है लिमिट चेंज करने की, ऐसे भी हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स हो जाएगा, पाई से बड़ा यही ना है जी, एक्स पाई से बड़ा है तो कॉस एक्स ना हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू। चलिए तो कॉस पाई, तो इसका वैल्यू जो होता है ना माइनस वन होता है। ठीक है, तो इन दोनों से ही काम चल जाएगा क्योंकि संतत पहले से ही दिया है। तो चूंकि आपके पास कह रहा है कि एफ एक्स एक्स बराबर पाई पर संतत है, इसके लिए के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जब संतत है तो यहाँ पे एल एच लिमिट आर एच लिमिट बराबर कर देते हैं। एल एच लिमिट जो है बराबर है आपके आर एच लिमिट के, दोनों लिमिट जो है आपस में बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या है जी, इसका वैल्यू है के पाई प्लस वन और यहाँ पे है माइनस वन, एक जाके उधर माइनस में चल जाएगा तो माइनस का दो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से के बराबर में आ जाएगा माइनस दो बट्टा में पाई, माइनस दो बट्टा में पाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला